हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्बन लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही परफेक्ट, डेलिशियस, रिच और फुल ऑफ न्यूट्रिशन सब्जी डिश आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, खोया मटर की सब्जी। फ्रेंड्स, इसमें एक सबसे ख़ास बात यह है कि इसको मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाया है, तो ये मेरे उन साथियों को मैं डेडिकेट कर रही हूँ जो प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। ये फ्रेंड्स, ये जो ये डिश है, इसको आप मेन कोर्स में या डेली यूज़ में किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, और मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है बॉयल्ड मटर, उबली हुई मटर, फ्रोज़न मटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने 1.5 कप करीब खोया लिया है। अदर इंग्रेडिएंट्स में टमाटर है, हींग है, और तेजपात है, कसूरी कश्मीरी मिर्च है, लाल पिसी मिर्च है, आधी चम्मच गरम मसाला, जीरा, हल्दी, और ये पिसी अदरक है। मैंने लहसुन का अदरक का पेस्ट बना लिया, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं प्रयोग। काजू, हरी मिर्च और देसी घी, 3 चम्मच देसी घी मैंने लिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसमें टमाटर को और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। केवल टमाटर और हरी मिर्च को इस तरीके से मैंने कट करके इसकी एक प्योरी तैयार कर ली है। इसकी प्योरी तैयार करने के बाद हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं, पैन गरम करते हैं। और ये पैन हमारा जब अच्छे से गरम हो जाए, इसको चेक कर लीजिए, फिर इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी। केवल 3 चम्मच ही मैंने देसी घी लिया है। इसके अलावा मैंने कोई ऑयल, कोई भी रिफाइंड कुछ भी नहीं लिया है। और फ्रेंड्स, इतने से ही, अगर आपके पास घी थोड़ा सा लेस भी है तो भी डिश पूरी परफेक्ट बनेगी। तो जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे हींग। और देसी घी और हींग का जो फ्लेवर आता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, इतनी बढ़िया डिश बन करके तैयार होती है। तो इसमें सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है तेज पत्ता, और ये देखिए मैं हींग डालने जा रही हूँ। हींग दोस्तों ज़रूर डालिएगा इसमें, ये मेरी रिकमेंडेशन है कि हींग ज़रूर डालिएगा। इसके बाद मैंने इसमें डाला है जीरा डाला है, ये देखिए जीरा जब थोड़ा सा स्प्लटर करने लगेगा इसमें सोन में आ जाएगा कि हाँ, ये देखिए इस तरीके से पूरा सिर्फ हींग, जीरा और थोड़े से मसाले, हल्दी, मिर्च, इसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है इस सब्ज़ी में। और आप देखिएगा इसका टेस्ट, जो अन्य रोज़मर्रा की सब्ज़ियाँ आप इस्तेमाल करते हैं प्याज लहसुन वगैरह के साथ, उनसे इस सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ करके ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक का पेस्ट, ये केवल 2 चम्मच अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम आप हमेशा लो रखिएगा, जिससे हमारे मसाले बिल्कुल जलने नहीं पाए। और ये देखिए अदरक और देसी घी ये अलग अलग हो गया है। इस कंडीशन में हम इसमें ऐड करने वाले हैं हल्दी, हल्दी जो हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी किसी लाल मिर्च है, इसको मैंने ऐड किया। और इसके बाद इसमें हम कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, वो सिर्फ हल्के से कलर के लिए है, नहीं भी है तो भी चल जाएगा। और इसके बाद इसको भी अच्छे से करके, ये आधी छोटी चम्मच गरम मसाला है। मसालों में सिर्फ यही 2-3 चीज़ें मैंने ली हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, जो हमने टमाटर और 2-3 हरी मिर्चों की प्योरी तैयार की थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी जल्दी बनती है, ये हार्डली 15-20 मिनट्स में आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। और ये देखिए टमाटर कितने अच्छे से इसमें ब्लेंड हो गया है, और इसने घी और जो मसाला है वो सब बिल्कुल अलग हो गए हैं। आप इसमें उसमें मैंने हल्का सा पानी ऐड कर दिया है उसी मसाले में करके, ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके की
कंसिस्टेंसी जब हो जाए तब आप समझिए कि आपकी प्योरी तैयार है। इस कंडीशन में हम इसमें ऐड कर रहे हैं खोया, क्रम्बल्ड खोया। अगर मान लीजिए खोया नहीं है तो आप कभी कभार इसको दूध के साथ भी बना सकते हैं, एक कप या डेढ़ कप मिल्क लेकर के भी आप बना सकते हैं, बहुत परफेक्ट डिश बनती है ये। ये देखिए खोया हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम लोग ये कुछ काजू ऐड कर देते हैं। काजू के साथ आप अन्य ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, मसलन मखाना या किशमिश, ये भी ऑप्शन है बिल्कुल। अगर आप काजू चाहें तो ऐड करें या ना ऐड करें, इससे उसके टेस्ट में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने काजू को क्रश करके नहीं डाला है। फ्रेंड्स ये सब्ज़ी बहुत ही रिच सब्ज़ी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, इसको आपकी फैमिली बहुत एंजॉय करेगी। और अब देखिए मैंने ये जो मटर है, फ्रोज़न मटर मैंने ली थी, क्योंकि इस सीज़न में हरी मटर मिलना उतना ईजी नहीं है, तो फ्रोज़न मटर जिसको मैंने एक से डेढ़ मिनट गर्म पानी में डाल करके छोड़ दिया था, और बस उसी को मैंने डाला है। अगर आप चाहें तो ग्रेवी इसमें ना ऐड करें, इतनी ही कंसिस्टेंसी वाली थिक ग्रेवी वाली सब्ज़ी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे चूंकि ग्रेवी चाहिए इसलिए इसमें मैंने वाटर ऐड किया है। देखिए थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी बिल्कुल, और अब हम लोग इस कंडीशन में इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं हमारी सब्ज़ी कैसे बन करके तैयार होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सारे मसाले और वाओ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। घी हमारा अलग हो गया, जबकि घी कितनी लेस क्वांटिटी में था, घी अलग हो गया, सारी चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे में ब्लेंड होकर के आ रही हैं, और ये सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्टली तैयार है हमारी सर्विंग के लिए। तो फ्रेंड्स हमारी ये खोया मटर की सब्ज़ी बन करके तैयार है, ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, और ये बेहद सात्विक सब्ज़ी है जिसमें प्याज लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। और इसी तरीके से आप किसी भी सब्ज़ी को बिना प्याज लहसुन के बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर। Thank you.